अलमीर, तुमने मुझे शादी का कहा था ना, फिर आ जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मारिया, ये तुम क्या कह रही हो? वागी, हाँ अलमीर, तुम्हारी बहन इंस्पेक्टर हैदर से शादी कर रही है। क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मैंने कहा था ना आराम से, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, चीखो नहीं अम्मा सुन लेगी। क्यों, आपको भाई बनना पसंद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आज से कोई मेरी बहन भी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आज से तुम नुमान को नुमान भाई कहना, ताकि भूल ना सके कि इनकी कोई बहन नहीं है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अलीजे, हम पे गुस्सा करने की बजाय अपनी बहन पे जाके उतारो, जिसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इंस्पेक्टर को बुला रखा है। तोबा तोबा, ये दोनों बहनें तो एक ही शख्स पर लट्टू हैं। ये जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, चाहे जितना भी प्यारा रिश्ता हो, होता सास बहू का रिश्ता ही है। और फिर तुम तो यहाँ नुमान की बीवी की हैसियत से आई हो ना। आप क्यों रो रही है, क्या हुआ? तो ये रोना जिंदगी भर का है। नहीं आपी, बिल्कुल नहीं। नुमान, छोड़े मुझे। तुम्हारा कमरा ये है। बैठो। छोड़ो मुझे, मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। ज़बान संभाल कर बात करें, ये क्या है, कभी हस्बैंड कभी शौहर? अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं करें, मैं तब तक अब नहीं कहूंगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। अच्छा ये बताओ कि बारात लेकर कब आओ? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, उसके बाद ये घर मुझे खाने को दौड़ना है। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर मैं नहीं। हाँ तो लीजा जी, ये तो बता दे कि कौन सी तारीख सोची है अपनी शादी की? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती मतलब? मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अभी मेरी एक और बहन भी है, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं कर सकती। तो ठीक है, हया के लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए, फिर दोनों बहनों की इकट्ठे शादी हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकेगा जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं। अच्छा रिश्ता ढूंढने में वक्त लगता है। मैंने हमेशा आपके साथ कोऑपरेट किया और अब भी करूंगा, क्योंकि मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। आप भी, मैं जा रहा हूं। क्या मतलब, कहां जा रहे हो, घर पे? नहीं, कहीं और। पागल हो गए हो क्या, कहीं और से क्या मुराद है, कहां जाओगे? अलीजे के पास। अलीजे के पास, वो इंस्पेक्टर याद है ना, उसे तुम्हें जेल में डाल दिया था ताकि तुम अलीजे से दूर रहो। अलीजे से मिलने का अंजाम जानते हो ना, वो दोबारा तुम्हें जेल में डाल देगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही हूं। घर से फोन आ रहा है। हेलो छोटी बेगम, आप जल्दी घर आ जाए, बेगम साहिबा बेहोश हो गई है। क्या हुआ है अम्मी को, बाबा किधर है? बाबा घर पर नहीं है, मैंने उनको कॉल मिलाया पर उसका कॉल लग नहीं रहा है। तुम अम्मी को होश में लाने की कोशिश करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ है? अम्मी बेहोश हो गई है। क्या हो गया था अम्मी आपको, कैसे बेहोश हो गई थी आप? पता नहीं बेटा,
मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। अचानक दिल घबराने लगा और मैं बेहोश हो गई। आ गया है अभी, जी भर के बातें करें इसके साथ। डरा दिया था आपने, मैं आपके लिए जूस बनवाती हूँ। मुझे छोड़ के अब नहीं जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जीती रहो मेरी भूख। तुम भी लो ना। नहीं आंटी, आप खाएं, मुझे भूख नहीं लग रही। अच्छा, मैं समझ गई, नोमी के साथ खाओगी ना खाना। हाँ भाई, शौहर के साथ ही खाना खाना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। आंटी, वो खाला जमीला की बहू की तबीयत कैसी है? हाँ, अब तो काफी बेहतर है, बेटा हुआ है ना उसके घर पे। मेरी तो अल्लाह से भी यही दुआ है कि मेरे नोमी के घर भी चांद सा बेटा हो। आंटी, वो अलीजा आपी ने शाम को घर पर बुलाया है, तो आप चलेंगी मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं तो पूरी रात की जागी हूँ, थक गई हूँ, अब नींद पूरी करूँगी। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं मना कर देती हूँ, हम कल साथ चलेंगे। अरे क्यों मना कर देती हो, नोमी है ना, उसके साथ जाओ, लेके जाएगा तुम्हें। हाँ मम्मी ठीक कह रही है, मैं खाना खा लूँ, मैं ले जाऊँगा। जाओ तुम, जाके शाबाश, तैयार हो जाओ। नोमी, माँ के साथ नहीं बीवी के साथ खाना खाया करो, उसने अभी तक खाना नहीं खाया। क्या वाकई? हाँ बेटा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलूंगी। अरे फरी बेटा, कुछ देर और रुक जाओ, आप बस अपना ख्याल रखें, अभी मुझे जाना होगा, मैं फैसल के साथ दोबारा आऊंगी इंशाल्लाह। चलो चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे जाने दे अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से या बाबा आपसे भी नाराज हो जाए। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगे अलमीर, ये तुम्हारा ही घर है, तुम कैसे इसको छोड़ के जा सकते हो? तुम क्या समझते हो, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी माँ ही परेशान रहती है? मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे भी उतनी तकलीफ होती है तुम्हारे बगैर। कहीं नहीं जाओगे अब तुम। अलमीर का यहां से जाना बहुत जरूरी है, भाई की मोहब्बत में ये तो शौहर को भूलती जा रही है। हेलो फरजाना। जी जी फैसल। हाँ अम्मी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। दाफस।
अम्मी बस अब मैं निकलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फरदाना थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। मुझे अलमीर से एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। अलमीर बेटा सच सच बताओ कि ये जब पहली दफा तुम अपना घर छोड़ के गए थे तो तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? ऐसी क्या वजह थी बताओ, क्या हुआ था? हाँ अलमीर, ये बात तो हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें शादी वाले दिन घर छोड़ के जाना पड़ा। हाँ अलमीर बेटा बताओ क्या हुआ था उस दिन? जी मैं बताता हूं। हाँ मरिया बोलो। शुक्र अलमीर तुमने फोन उठा लिया। कहो मारिया कैसे फोन किया? अलमीर तुमने मुझे शादी का कहा था ना, फिर आ जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मारिया ये तुम क्या कह रही हो वाकई? हाँ अलमीर मैंने भी महसूस किया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बस तुम आ जाओ हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन मारिया मेरी आज शादी है और जब मैंने तुमसे शादी की बात की थी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स रेडी नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो मगर मैं क्या करूं, जब मैंने तुम्हारी शादी का सुना तो मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। अलमीर मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। मैं टूट गई हूँ अलमीर, मैं हार गई। मैं समझती थी कि मैं जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजार लूंगी लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अलमीर। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। देखो अलमीर तुम मेरे पास आ जाओ। अगर तुम नहीं आए ना शादी के लिए ये मेरा आखिरी फैसला होगा, खुदकुशी। तुम आ रहे हो ना अलमीर? क्या हुआ अलमीर तुम चुप क्यों हो गए हो? तुम आ रहे हो ना? हाँ मारिया मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके बाय। मारिया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं, नीचे आओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मतलब यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन ने मुझे यहां बुलाया। हेलो अज़र, अज़र ज़रा जल्दी नीचे आना, अलमीर आया है और कह रहा है मुझे मारिया से मिलना है। ओ, 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 अरे, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? पहले इससे पूछो, इसने मुझे खुद यहाँ पे बुलाया है। बेग़ैरत मेरी बहन को बदनाम कर रहा है। तुम चुप क्यों? बताती क्यों नहीं उन्हें? मारिया ये बकवास कर रहा है कि तुमने बुलाया इससे मिलने के लिए। नहीं भाई ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं बुलाया। मैं इसको कैसे बुला सकती हूँ और वैसे शादी क्यों करूँगी, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। अलमीर मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे घर कभी मत आना, तुम फिर भी आ गए। निकल जाए यहाँ से साले, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा।
खुदा गारत करे उन बदबख्तों को। देख लिया तुमने उस लड़की की झूठी मोहब्बत का अंजाम? अलमीर बेटा याद रखना, औलाद के लिए माँ बाप जो फैसला करते हैं ना, उससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इतने दिनों बाद आज हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या बदतमीजी! मुझे नहीं पहनने तुम्हारे ये लाए हुए गजरे, और ना ही तुम्हारे साथ कहीं जाना है। देखो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, वहां की नींद खराब हो जाएगी। तो मैं भी आंटी की वजह से ही, वरना तुम सिर्फ अम्मी की बात समझती हो ना। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो? उन्होंने कहा था ना कि तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से रहोगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी और अम्मा की सारी बातें सुन ली थी। ओ, अच्छा, तो तुम इस बात का फायदा उठाना चाह रहे हो? फायदा क्या उठा रहा हूँ? अभी तो सिर्फ नखरे उठा रहा हूँ। वैसे उससे मैं तुम और भी प्यारी लगती हूँ। नुमान, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ये पहनने होंगे। मैं आंटी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मेरा हाथ छोड़ो। लगा दो, वो भी यही कहेंगे, फिर तो तुम्हें पहनने पड़ेंगे। क्या सोच रही हो? अच्छा, पहन लूंगी, मेरा हाथ छोड़ो पहले। ये वही ना बात, ये तुम पहन लो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सर लगता है मैडम तारीख दे गई है। भाई, तुझे बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। सर क्यों नहीं होगी, सारी तैयारी मैंने तो करनी है, और आपकी बारात का जोड़ा भी तो बनाना है मैंने। इकबाल, अरीसा जी का कहना है कि पहले वो अपनी बहन की शादी करेगी और बाद में अपनी। सर इसका मतलब है अभी आपकी शादी में काफी वक्त है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर नाराज ना हो, मेरे कहने का मतलब है रिश्ता इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अरीजा जी भी अपनी जगह पे ठीक है, उनकी बहन की जिम्मेदारी भी उन पर है। सर अगर आप कहें तो मैं अपनी घरवाली से बात करूं, कोई अच्छा रिश्ता दिखा दे। अरे भाई नेक काम में देर कैसी, फौरी बात करो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अरे तुम सिलाई भी करती हो? ये बताओ कि अपने कपड़े सिलाई करती हो या दूसरों के भी? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े सीती हूँ। हाँ, तुम्हें अगर कपड़े सिलवाने हो तो मेरे पुराने महल्ले में एक बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छे कपड़े सीती है। कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो कहो क्या हुआ? अरे वो तुमने जिस घर में अपने बेटे का रिश्ता किया है ना, वो सही लोग नहीं है। ये क्या कह रही हो? रिश्ते वाली खाला तो बहुत तारीफ कर रही थी उनकी, और तुमने ही तो कहा था कि बहुत अच्छे रिश्ते दिखाती है। हाँ हाँ, मैंने कहा तो था, पर मुझे क्या पता था कि खाला इस घर का रिश्ता बताएंगी तुम्हें। जल्दी बताओ मुझे कैसे लोग हैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जब से रशीद भाई का इंतकाल हुआ है उन लड़कियों को तो जैसा मैदान मिल गया, और एक ही इंस्पेक्टर से दोनों बहनों का चक्कर चल रहा है। बहुत अच्छा किया बहन तुमने मुझे बता दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब मजा आएगा ना, पता चलेगा खाला को।
क्या बात हुई आपकी इंस्पेक्टर से? जो कहना था कह दिया। ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे छुपा रही है? छुपा नहीं रही हूँ, तंग कर रही हूँ तुम। अच्छा बता भी देना। मैंने उससे कहा है कि जब तक हया की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों अलीजा आप ही? आपको ये बहाना करने की क्या जरूरत थी? बहाना नहीं है, सच है। अब मैं तुम्हारी शादी करूंगी। ठीक है, तो फिर आप ये भी सुन लें, आपकी शादी पहले होगी क्योंकि आप बड़ी हैं और आपसे पहले मैं शादी नहीं करूँगी। बड़ी हूँ इसीलिए कह रही हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि पहले तुम्हें रुखसत करूँ। खाला ने मुझे बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया और लड़का मुझे अच्छा लगा। खाला कह रही थी कि वो कल लड़के की माँ को लेकर आएंगी। लीजिए आप ही, आपने मुझे लड़का दिखाया भी नहीं और फैसला कर लिया। ठीक है, तो फिर आज से मैं भी आपके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, ढूंढ लेना। अब चलकर जो नेहा के लिए गिफ्ट लाए हैं वो पैक कर लेते हैं। चल। कौन सा पहनूं? ये पहन लो, तुम इसमें अच्छी लगोगी। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि कौन सा सूट पहनूं। चलो ठीक है, लेकिन मुझे बता दो मैं क्या पहनूं। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए भी कपड़े निकाल दो। जब मैं अपनी मर्जी का पहन रही हूं तो तुम भी अपनी मर्जी का पहन लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मैं ससुराल जा रहा था, सोचा तुमसे पूछ लूं। जानती हूं ये बात बताने वाली नहीं है। वैसे मेरे पास एक बात है तुम्हें बताने वाली, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। कौन सी बात बताए मुझे? तुम घर जा ही रहे हो तो तुम्हें वहाँ पता चल जाएगा। नुमान तंग मत करें, बताए मुझे। तंग तो तुम मुझे करती हो, किसी भी मेरी बात का सीधे मुझे जवाब नहीं देती हो। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि क्या बात है तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा। अच्छा नहीं करी गुस्सा, बताए क्या बात है? तुम्हारी बहन इंस्पेक्टर हैदर से शादी कर रही है। क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मैंने कहा था ना आराम से, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, चीखो नहीं अम्मा सुनने की। मैंने कहा था ना तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहा था। इसका मतलब है मुझे अलीजा आपी को सब कुछ सच बताना पड़ेगा कि उसी पुलिस वाले के बलबूते पर तुमने मुझे अगवा किया था और फिर उसी ने तुम्हारी शादी करवाई। ये बात तो सच है, लेकिन ये बताने की गलती मत करना स्वीटहार्ट। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, बताना तो मुझे पड़ेगा। हटो मेरे रास्ते से। हटा सकती हो तो हटा लो, नहीं हटूंगा। जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अब और सुनने को क्या रह गया? अभी भी बहुत कुछ है बताने को। अच्छा बताओ क्या बात है? देखो नेहा, जो इंस्पेक्टर मेरी और तुम्हारी शादी कर सकता है उसके लिए तुम्हारी बहन से शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तुम्हारी बहन को उठवा भी सकता है, लेकिन वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। तो ये तुम्हारी बहन की जो शादी हो रही है इसमें प्लीज़ रोड़े मत डालो। देखो अगर तुमने अलीजे से कहा और अलीजे ने इनकार कर दिया तो वो इंस्पेक्टर मुझे भी उठवा सकता है। ये ले जी आपकी चाय। परी ऐसा ना हो तुम्हारे बाबा दोबारा अलमीर को घर से निकाल दें। कैसी बातें कर रहे हैं फैसल आप, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तुम तो बुराई मान गई। आपने बुरा मानने वाली बात की है फैसल, इतनी मुसीबतें उठाकर तो अलमीर घर पहुंचा है। एक तो मारिया ने उसे धोखा दे दिया और वो पुलिस वाला उसने क्या किया अलमीर के साथ। अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई, अब तो कहीं जाकर बाबा ने उसे माफ किया है। ऊपर से आप ऐसी बच्चगोनी की बातें कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बाबा ने उसे दिल से माफ किया है। तुम्हारे भाई ने जो कि सहा है ना,
उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ तक कि मैं भी। आप कैसे डिस्टर्ब हुए? ज़ाहिर है तुम अपने भाई के मस्से को सुलझाने में लगी हुई हो। एक पांव तुम्हारा यहाँ है और दूसरा महके में, तुम्हें घर पे तवज्जो कहाँ है? मैं घर आया था, मुझे खाने में कुछ नहीं मिला। फैसल, अम्मी अचानक बेहोश हो गई थी, बाबा भी घर पे नहीं थे, मुलाजिम ने इमरजेंसी फ़ोन किया मुझे। मैं जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छा है, इसी बहाने अलमेर घर तो पहुँच गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके अपने लिए चाय लेके आओ, मेरे साथ बैठ के पियो। बिल्लू ने खाना खा लिया था? कहाँ, इतनी बेचैनी से इंतजार कर रहा था खाने का, थोड़ी सी और देर होती ना पागल हो जाना था उसने। चलो शुक्र है कि तुम वक्त पर पहुंच गई। खाला क्या कह रही थी? क्या कहना था खाला को? पूछ रही थी मुझसे, लड़का देखा, पसंद आया, आगे बात बढ़ाऊं? तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा भाई मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं, मैंने तो अभी लड़का देखा ही नहीं है, तो फिर हाँ कैसे करूं? अरे मुझे याद आया, उस लड़के की तस्वीर तो मेरे मोबाइल में है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। लो तुम भी देख लो। ये आप ही, ये लड़का है वो? तुम जानती हो इसे? बस स्टॉप पे मिला था मुझे। अच्छा तो कभी बात हुई है तुम्हारी इससे? कुछ खास नहीं आप ही, बस एक दो बार ही बात हुई थी। ठीक है, लेकिन कभी कुछ कहा है उसने तुमसे? कुछ खास नहीं, वो बस मुझसे पूछ रहा था कि कल क्यों नहीं आई। अरे आप ही, आपको पता है वो एक बार तो घर ढूंढते ढूंढते भी आया था हमारे घर, किराए का घर ढूंढ रहा था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीति जी मुझे धोखा दे रही है? इकबाल सही कह रहा है, वो मुझे टाल रही है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जब ही तो उसने मुझ पर पाबंदी लगा दी दुकान और घर पर आने की। सर आप मैडम के घर गए थे, क्या हुआ सर? तुम कुछ कह रहे थे एक बार? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मैडम के घर गए थे, क्या हुआ? गया। तो सर आपने उन्हें बताया उनकी बहन के लिए रिश्ता है आपकी नजर में? नहीं यार, वो उसने मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाया। सर हम तो पुलिस वाले हैं, किसी के घर में भी घुस सकते हैं जबरदस्ती। नहीं इकबाल, तो भी कांस्टेबल है, तुझे कानून का पूरी तरह से पता नहीं है। पुलिस भी जबरदस्ती किसी के घर में नहीं घुस सकती सिवाय मुजरिम के। सर जुर्म तो किया है ना मैडम ने भी। क्या जुर्म किया है रईस जी ने? हमारे साहब का दिल चुराया है सर। सही कहा तुमने, और बगैर दिल के तो जिंदगी बिल्कुल नहीं गुजर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अब अरीसे जी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक, जाओ तो। सर हाँ, अब तो दुकान बहुत अच्छी चल रही है। पता है बिल्लू भी कितना खुश हो रहा था, कहता बाजी इतनी ग्राहक आना शुरू हो गए। अरे वाह, आप ही नेहा आ गई। सलाम अलैकुम। नेहा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? सलाम अलैकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे मम्मी प्लीज। कितनी प्यारी लग रही हो।
अगर ये मेरी मर्जी का सूट पहनती तो और प्यारी लगती। मेरी बहन है ही इतनी प्यारी, कुछ भी पहन ले सब अच्छा लगता है उस पे। वैसे ठीक कह रही हैं आप, मुझे कॉलेज के ड्रेस में भी अच्छी लगी थी, तभी तो मैंने इससे शादी की। फजूल बात करना लाजमी है। अरे अलीजा जी से समझाए ना, मैं बहुत गुस्सा करती है मुझे, मैं शौहर हूँ इसका, थोड़ी इज्जत कर लिया करे मेरी। नुमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नेहा, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अलीजे जी जरा इन्हें भी समझा दें कि मैं इनका भी बहनोई हूँ, साली लगती हैं थोड़ी, ये भी मेरी इज्जत कर लें। नोमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हया, नोमी ना सिर्फ हमारे बहनोई हैं बल्कि भाई भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपकी कोई बहन होती तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते जैसे आप हैं। ये क्या कह दिया आपने? क्यों, आपको भाई बनना पसंद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आज से कोई मेरी बहन भी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आज से तुम नुमान को नुमान भाई कहना, ताकि भूल ना सके कि इनकी कोई बहन नहीं है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ भाई बहुत भूख लगी हुई है। चलें आप ही, मैं आपके साथ खाना लगवा देती हूँ। अरे नहीं नेहा, तुम मेहमान हो, तुम दोनों बैठो, खाना हम दोनों लगा देती हैं। चलो हया। तो मलीजे जी से शादी की बात मत करना।